मंगलम भगवान वीर मंगलम गौति रोधरी मंगलम कुंज कुंदाद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु साक्षिणः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्वभावाय भावाय सर्विभावान्तरक्षति बंदितु सर्वसिद्धि द्रोणचर्मणोभवं गतिं पत्ति वोच्यामि समय पाहु निर्दोषुद केवली कलश नंबर 22 पेज नंबर 66 जगत जगदानी मोह माशन्मुनीना रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमोदे एकतिमपि नात्मा नात्मना साकमेकः किलकलयति कार्ये जगत अर्थात जगत के जीव अनादि संसार से लेकर आज तक अनुभव किए गए हो आज जन्म लीनम मोह इदानीं त्यजतु अब तो छोड़ो और रसिका नाम रोचना रसिक जनों को जो रुचिकर है उद्धत ज्ञानम उदय हुआ जो ज्ञान उसको रसयतु यानी आस्वादन करो क्योंकि इस लोक में आत्मा वास्तव में कतमप अपि किसी भी प्रकार से अनात्मनामात्साकम अनात्मा यानी परद्रव्य के साथ को अपि काली कदापि तादात्मवृत्तिम करयति न तादात्मवृत्ति पने को यानी एकत्व पने को प्राप्त होने वाला नहीं है क्योंकि आत्मा एक है और वह अन्य द्रव्य के साथ एकता रूप होने वाला नहीं 19, 20, 21, 22 व्याख्या के बाद इस कलश का जन्म कर्मे नोकर्मे एकत्व बुद्धि यानी अपने चैतन्य भगवान में एकत्व बुद्धि में इसे कहते हैं मोह 20, 21, 22 व्याख्या ये सब मेरे सचित अचित मिश्र सारे परद्रव्य ये मेरे मैं इनका हूँ ये मेरे थे मैं इनका था ये मेरे भविष्य में होंगे मैं इनका भविष्य में होऊंगा ऐसी लंबी कथा ज्ञानता में संसार में चले और जिन्हें ये और आत्मा का भेद ज्ञान उनकी भूतार्थ भाव चल ये न मेरे थे और न मेरे है और न भी भविष्य में कभी मेरे हुए सबको मिला के एक कलश बना चार गाथाओं ने सुनाया उसको कलश में उछलती हुई हृदय से सुनाया ये जो गुरुदेव श्री ने प्रवचन किया इस प्रवचन में 21 नंबर की गाथा योग सा इसमें आया कि पहले
व्रत तप संयम शील आचरण करें और बाद में आत्मा का अनुभव होगा। गुरुदेव ने और योगेंद्र देव ने कहा कि ऐसा मार्ग नहीं, पहले और पीछे नहीं होता कि पहले शुद्ध भाव करो बाद में शुद्ध भाव करो, पहले व्रत तप संयम से रहो और बाद में वितरागी भाव प्रकट होगा, ये मार्ग नहीं है। इतना है कि पहले पीछे नहीं हो, यानी मार्ग दो नहीं है, आत्मा की श्रद्धा ज्ञान अनुभव एक ही मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाले की संयमित जीवन सदाचारी जीवन होता है, ऐसा व्यवहार उसके साथ पाया जाता है। और अज्ञानता में जीव को व्यवहार साधन दिखता है, सहचर दिखता है, उत्तर चर दिखता है, पूर्वचर दिखता है, पर मोक्ष मार्ग नहीं दिखता। इसी हेतु से ऐसी गाथा है योगेंद्र देव ने रानी कहा था कि मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग भी नहीं होता, मंद कषाय होती है परंतु शुभोपयोग भी नहीं होता। ये समझ में नहीं आया कि शुभोपयोग नहीं होता तो स्वर्ग आदि कैसे जाते, तो कहा कि इसे शुभ योग होता है, शुभ योग नहीं। क्या होता है? शुभ योग होता है। शुभ योग क्या कहलाता है? कि देव गुरु धर्म जो जो मंद कषाय के कारण है, यानी जिनके पास योग नहीं, योग लगने पर कषाय ऑटोमेटिक मंद होती है, मंद कषाय में ही योग लगता है। योग लगा और उपयोग नहीं करता, तो योग लगने से इसे पुण्य बंद हुआ, नौ ग्रीवक तक चला, पर उपयोग क्यों नहीं लगा, शुभोपयोग क्यों नहीं है, ऐसा पूछ रहा कि शुभोपयोग शुद्ध के बिना नहीं होगा, बहुत मोटा पाप मिथ्या है, इसलिए इसके उपयोग को शुभोपयोग भी कहना तैयार है, जबकि इसका उपयोग भी देवगुरु धर्म में न लगे, समझ में ना आता हो, कषाय की मंदता में उसे जुड़ा न हो, उसे कैसे समझ में आए पूजा हो रही पाठ हो रहा। तो कहते हैं कि लग तो रहा कि पूजा हो रही पर उसके मिथ्यात की ताकत इतनी है कि उसके शुभ योग में कुछ ताकत ही नहीं है, शुभ योग है, शुभ योग भी कहलाने लगे। अभी ज्ञानी की होगा ना शुभोपयोग, शुभयोग होगा, शुभोपयोग होगा, शुद्धोपयोग, ज्ञानी की तो खबर है ना मार्ग, उसे शुद्धोपयोग तो है तभी से तो ज्ञानी हुआ, फिर शुभोपयोग भी है तो उपयोग की सुरक्षा करता है, शुद्ध में लगने के लिए तैयार रहता वो दत्त ज्ञान है, तो उसको शुभोपयोग भी होता व्यवहार, और शुभयोग यानी प्रवृत्ति भी उसकी यहाँ वहाँ अनियंत्रित नहीं होती, सदाचारी जीवन। तो ये बात ख्याल में आना चाहिए कि योग अलग चीज है, उपयोग अलग चीज है, शुद्धता अलग चीज है, शुद्ध स्वभाव को ज्ञान में लिए बिना शुद्धोपयोग नहीं, और शुद्धोपयोग के बिना उपयोग को शुभोपयोग कहने तैयार, पर उपयोग है जीव के पास। बाबू जी की भाषा कहें अज्ञानी के अज्ञान में ये भली भांति भाषित हो चुका है कि अज्ञान मेरा स्वरूप नहीं, इसे अज्ञानी अज्ञान, अब उसे समझ में आ रहा है कि नहीं, सास सभा में अप्रतिबद्ध बैठता है कि, तो उसके उपयोग में समझ में आता तो वो उपयोग है कि नहीं, जब शुद्धोपयोग होगा तब इस उपयोग को शुभोपयोग करें। स्थूल कथन से तो कहते ऐसे लिखे मिलेंगे आपको कि शुभोपयोग है भाई, नहीं तो इस स्वर्ग आते कैसे जाएगा, अरे शुभोपयोग से नहीं किया है, कषाय की मंदता से शुभ योग से। अभी गुरुदेव की बात अपन ने दोहराई, अभी इस कलश से जोड़ना है ना, त्यजतु जग इदानीम मोह मा जन्म लीनम, त्यजतु यानी क्या होता है, त्याग करो,
इदानीम यानी अभी त्याग करो, वर्तमान में ही त्याग करो, छोड़ो। अब जैन शासन त्याग प्रधान शासन, त्याग कराता है, परंतु जैनियों को ही पता नहीं कि त्याग किसे कहते हैं। कहा कि इससे सीखो, वो छोड़ो। घर तो अनंत बार छूटे, पर घर का वो नहीं छूटे। ब्रह्मचर्य तो अनंत बार दिया, परंतु आत्मा ब्रह्म समझे बिना। मुनि तो अनंत बार हुए, परंतु मौन नहीं हो पाए। हम बैठे अपनी मौन से, यानी भूलने का रस टूट जाए, कर्तव्य टूट जाए, मैं मुनि हूं मानना छूट जाए। ये आत्मा के बल के बिना ये संभव नहीं है। सबसे पहले शब्द कौन सा आया, त्यजतु, छोड़ो। अब तो मोह छोड़ो, अपनी हिंदी की भाषा, किसे छोड़ो, मोह छोड़ो, परद्रव्य को छोड़ो, पर भाव को छोड़ो, नहीं लिखा है, मोह छोड़ो। मोह किसे छोड़ो, त्यजतु जग, जग यानी क्या होता है, जगत के जीवो होता है। लिखा जग, जग यानी क्षेत्रज्ञ नहीं, जग यानी राग देश मोह नहीं, जग यानी जगत के जीवों, अनंतों जीवों को अनंतों संत समझा रहे हैं। कितने संत समझा रहे हैं, अनंतों भगवंत संत क्या समझा रहे हैं, क्या छोड़ो, भ्रम छोड़ो, ढंग से जियो, अपने को पहचानो, भ्रम में नहीं रहो, सपने नहीं देखो, वो छोड़ो। क्या क्या वो ऐसा, आप घर छोड़ दिया, पांच पाप छोड़ दिए, महामृत ले ली, अब काय का मोह, हे मुनि मोह छोड़ो। तो अब कौन सा मोह रह गया, कि अपने को मुनि मानना छोड़ो, अपने को 28 मूल गुण पालन करने वाला छोड़ो, अपने को राग का स्वामी छोड़ो, अब चैतन्य के स्वामी बनो, उसको भो जैसे वितराग पूजन आज की वैसा लाभ। गजब की पूजा है, पूरा प्रयोग जैसे बाबू जी की सिद्ध पूजा, ऐसे ही पंडित साहब की वितराग पूरा तत्व भर दे। कितना तुम समझना चाहते, सब इसके अष्टक में तक भर। जयमाला तो जगत में प्रसिद्ध है, अष्टक में भी है। ज्ञानानुभूति परमामृत के सब प्रारंभ है, ये ज्ञानमयी मेरी काया, मैं काय का बना हूँ, ज्ञान शरीर ही हूँ। और अमृत पीना क्या है, ज्ञान का अमृत पीओ, सत्सागर यहाँ छाए भाव भी भिन्न दिखते, किसी कथा लिखते और भाव की कौन कथा। छोड़ो भाई, बैठे बैठे अभी सुनो भगवान की वाणी में ये रहस्य आए हैं, जो सोदर बिंदु सुनने आता ही बात, वो सब जानता है कि मैं आत्मा हूं। तो अभी वो कहता है कि मुंह छोड़ो, ये कह सकता, ये महापुरुष जो कह सकता, तुम अपने को इंद्र मानना तो छोड़ चुके हो, अब और कहीं जो उपयोग जाता है उससे रस छोड़ो। अपन को देखो भूल ही नहीं समझ में आती तो छोड़ो उनका, अपन सब आत्मा वाली है, अपन सब उपादान वाले हैं, अपन सब अकर्ता वाले हैं, हमें कौन सा मुंह है, ये बाले बाले क्या मुंह है, तुम्हें कौन सा मुंह होगा, तुम जब तक तुम आत्मा में मगन नहीं हो जाओगे तो करते क्या रहते। संसार का मूल आत्म ध्यान छूटा और संसार ही संसार, अब बताओ तुम कब करते थे, नियम सार में निकला भूल संसार मूलम, ध्यान से हटे और जगत में फंसे, परमादि जग को ढुके, अपरमादि से ओ अप्रमत्त से शिव की तरफ दौड़ लगती है, परमादि तक संसार की तरफ, शिव छठवें गुरु स्थान। वही जगत के जीवो, कितने जीवों से गास से लिया, सारे जगत के जीवों पर करुणा है, कोई मुमुक्षु मंडल वालों से कह रहे हो, अजयन से नहीं कह रहे हो, ऐसा नहीं है शासन,
ये सारे तीन काल के जीव, तीन लोक के जीव सबसे कहते हैं, ये भाई अपने को जीव राजा देखो, आनंद की मूर्ति देखो, आनंद भोगो, भ्रम में नहीं रहो, पर्याय बुद्धि से दृष्टि हटाओ। पहली लाइन है कि जय तू छोड़ दो, कब, अभी छोड़ दो, अब तो छोड़ो। उनकी हिंदी की भाषा देखो ऐसा, अब तो छोड़ो, साल भर नहीं पढ़ा है, परीक्षा आ गई, अब तो पढ़ ली बेटा, नहीं तो क्या करेगा, कदबसी धोएगा क्या करेगा, जिंदगी भर गुटका खाता रहा। अब दूसरे को डॉक्टर ने बताया, देखा इसका जबड़ा क्या होगा, कट कट के साफ हो, तो छोट दमाग गुटका, तो कहते साहब ये डॉक्टर किस दिन काम में आएगा, हम खाते जाए और तुम तो हमें बचाते जाओ, उसके नाम डॉक्टर, तो मरोगे तुम तो। अब तो छोड़ो इनकी मूर्ति, देखो ये मुंह कटे वाला, नहीं छोड़, क्यों नहीं छोड़ रहा है? जगत के जीवो, जगत अर्थात जगत के जीवो, जगत में जीव कितने, सतीश भैया अनंत अनंत जीव राशि है, सबसे गहरा है, कह पा रहे थोड़े से लोगों से, परंतु भाव कितना गहरा है, सारे जगत के जीवो वो छोड़, घर छोड़ दो नहीं लिखा, पाप ये खाना पीना छोड़ दो नहीं लिखा, ब्रह्मचर्य से ले लो नहीं लिखा, तो तुम अपने को आत्मा का स्वाद लो जैसा नरक में गया, अब तो नरक जाना छोड़ दो नहीं लिखा, स्वर्ग में गया स्वर्ग जाना छोड़ दो, सुख भोगते रहे ऐसा नहीं लिखा, आज तक तुम्हें स्वर्ग का सुख नहीं भोगा है, भोगा है ये मिथ्या छोड़ दो, आज तक तुम्हें नरक का दुख नहीं पीता है, उस समय भी तुम आत्मा थे, जानन हार ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, आज मान जाएगा। कितनी गहरी चर्चा है समय सार, बाबू जी ऐसा कहते थे कि लोकोत्तर चर्चा करने वाला यदि कोई ग्रंथ है विश्व में, इसका नाम है समय सार, इसकी ऊंचाई को कम नहीं करना, तुम ऊंचे होने की कोशिश कर, इसे ढील नहीं देना कि नहीं नहीं ऐसा लिख गए होंगे निश्चय से ही व्यवहार, ये वस्तु का स्वरूप दिखाने के लिए समर्थ है भगवान, तुम्हारा स्तर गिरा ही नहीं कभी, तुम क्या एक से नीचे आए नहीं, तुम्हें कभी शरीर मिला नहीं, तुम्हारे गुरुस्थान हुए नहीं, तुम रागी बेसी नहीं हो, तुम आत्मा आई हो, ऐसा समझा रहे, इसको छोड़ के जो मानते हो सब मूल, चैतन्य रस को रसीले तत्व को आस्वादो, ये जगत के जीवो अपने को पर्याय से मत देखो, अपने को प्रभुता देखो, भगवान देखो, कठिन काम है कि सरल, सरल इसलिए कि ये सब्जियों का स्वभाव है, मूल करना कठिन, एक जैन को जैन बना के बता दो आप अपने मुंह से, भिखारी को दान दे, उससे कहा कि दादा ये मांस तो नहीं खाते थे, कहते कभी कभी खा लेते हैं, और छोड़ सकते हो कि नहीं, कि नहीं छोड़ सकते, भीख मांग रहा हूं, छोड़वा मोह कैसे छोड़, रामचंद्र से कहो मोह छोड़ो, लक्ष्मण का छोड़वा, बहुत विचित्र संसार है, ये कह रहे कि तुम अपने को आत्मा देखो, दूसरी जगत की मत सोचो, सुकोशल की मम्मी से कहो कि मुनियों को मुनि मानो, तिरस्कार मत करो, अरे वो अपना तिरस्कार कर रही है, मुनि का नहीं कर रही है, अब तो मोह छोड़ो, पर द्रव्य का तिरस्कार नहीं करता है जी, अपने भाव बढ़ाओ, अनादि संसार से ये कब से चला रहा हूं, अनादि इसका आरंभ नहीं, अनादि आरंभ नहीं, कब से है जी, जब से संसार है, तीर्थंकर है, मुक्ति का मार्ग है, जब से सिद्ध है सिद्धालय में, तब से जीव संसार में परिग्रह कर,
अनादि काल से आत्मा ही है, आत्मा ही रहा है, आत्मा का चैतन्य पना नहीं छूटा है अनादि से। पर अब वो क्या है कि आत्मा को अनादि से ही आत्मा नहीं माने, ये जो पर्याय मिली उसी में तन्मय है। अभी अपन सुन रहे हैं इसी में खुश, कोई सुना रहा इसी में खुश है। आत्मा मानने की पुरुषार्थ वज्र का पुरुषार्थ, पर्याय बुद्धि छूटे इसके लिए विनय करते आचार्य। इतने बड़े पुरुष अपन से कहते भाई साहब बहुत दुख होते संसार, अनादि संसार से लेकर, और हम तो 50 साल से मुमुक्षु हैं कि नहीं सुनो अच्छे से आज तक जगत तुम्हें मुमुक्षु कहता है, लेवल लगा है, और अनंत देव के ज्ञान में तो मुमुक्षु लगना चाहिए, मुनिराजों को मुमुक्षु दिखना चाहिए। कैसे दिखोगे, तुम अपने को मोक्ष के लक्ष्य वाला आत्मा का आस्वादन करोगे। आज तक अनुभव किए गए, इसमें कितनी बातें हैं, आज तक जीव ने अनुभव किया है तो मोह का किया है, पर द्रव्य का प्रभाव का अनुभव नहीं किया ही क्या, धन द्रव्य का अनुभव क्यों नहीं कर सकता है, रसगुल्ले खाई के नहीं अपन ने मुख्य, सीधा स्थूल ज्ञान वाला ही कहता है कि अभी खा रहे पी रहे जी रहे, क्योंकि तो आज तक जीव ने पर द्रव्यों का रसास्वादन नहीं किया। अच्छा अब दूसरा मिथ्या, पहला बहुत बड़ा मिथ्या थी था कि हमने इतने दिन से खा रहे पी रहे भोग रहे, अब तो थक गए अब छोड़ दे, क्यों कह रहे नहीं इनको नहीं खाया पिया है, इन संबंधी मोह। अब खाया पिया तो नहीं, पर खाने पीने का राग तो हमें नहीं किया, तो राग का आस्वादन किया है, वो कह रहे ये भी दूसरा मिथ्या है, राग का भी जीव ने स्वाद नहीं, रसगुल्ले का नहीं लिया है रसगुल्ले के राग का, अब कहते राग का भी नहीं लिया है, सब जीवों को ज्ञानी का स्वाद आ, ज्ञान का स्वाद आता है और ज्ञान का स्वाद दिखता है, इसका नाम मोह है। अपनी ज्ञान की पर्याय में रसगुल्ला है कि रसगुल्ले का राग है, रसगुल्ला है जो अपन खा रहे हैं ना दिख रहा है, तो वो रसगुल्ला खा रहे हैं कि रसगुल्ले का राग हो, तो वो तो पदार्थ इसमें आ नहीं सकता, अत्यंत भाव। और दूसरा उस संबंधी घर गृहस्थी संबंधी राग हो सकता है, तो कहते हैं कि राग तो ज्ञानी को भी है परंतु आस्वादन करते हैं आत्मा होने तो अज्ञान नहीं बोले, तो फिर क्या है ये भ्रम छोड़ो कि मुझे राग भी हुआ, परद्रव्य का सेवन तो किया नहीं, परद्रव्य के लक्ष्य से राग हुआ उसका भी स्वभाव में प्रवेश नहीं, और ज्ञान में ज्ञान कब नहीं, और ज्ञान में ज्ञान सदा होने पर भी कब दिखा ये पूछ रहे, ऐसे नहीं छोड़ देंगे क्या, सब ज्ञान में ज्ञान है राग है ही नहीं, तो घर जा रहा है। अनादि संसार से बताओ इस समय श्रेणिक महाराज नरक में है कि नहीं, दुख पा रहे कि नहीं, भूख रहे कि नहीं दुख, वो कह रहे कि तुम आत्मा कब देखोगे, और आत्मा के ज्ञान स्वभाव में नरक का भाव कब दिखेगा, और जो कष्ट हो रहा वो भी ज्ञान का गे देखोगे तब ये बोझ छूटे, आत्मा को आत्मा देखने से बोझ छूटे। अनादि काल से लेकर आज तक जब तक तुम चैतन्य को चैतन्य नहीं देखते तब तक मोह है, अब क्या छोड़ना है मोह छोड़ना है, कब छोड़ना है अभी छोड़ना, अभी कैसे छूट जाएगा, थोड़ा पढ़ेंगे विचार करेंगे आंख बंद करके बैठेंगे, अगर अनुभव होगा तब तो मोह छूटेगा। ये बताओ ये जहर है और ये दूध है तो कौन सी चीज पियोगे, दूध पियोगे तो जहर क्यों नहीं पियोगे, घातक, तो ये अभी इतनी जल्दी समझ जाओ
ये तो घर जाके सोचेंगी बताएंगी। तरबूज को देखा लाल लाल देखा मजा आ रहा था, लड़की को आनंद आ गया। उसने कहा कि पापा यही वाला तरबूज चाहिए। अब उसने हरा रंग का दे दिया, नहीं ये वाला चाहिए लाल रंग का, ये है कि नहीं ये वाला चाहिए। क्या किया बच्चों की हट, उन्होंने उसे निकाला, क्षण भर ने जल उसको किया और स्वाद आया तो पापा जल्दी घर चले। अभी तक कैसा दिखता था उसे, हरा हरा सा, और खाया कैसा था, लाल लाल सा। ऐसे ही आत्मा कैसा दिखता है, विकल रा दीस मूर्त। अब क्या नहीं दिखता है, ज्ञान आनंद स्वभाव स्वच्छता प्रभुता, ये भी वही थी पर ये नहीं। ये आत्मा नष्ट नहीं हुआ नरकों में, ये नहीं दिखा, नरक गया ये दिखा। पांच परावर्तन में रो मारा, ऐसी प्रवचन तो हमने अनंत बार किए, पर पांच परावर्तन में आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है, ये भगवान कुंद कुंद की बारी है। कैसे सम्यक दर्शन हो जाए, मोह नहीं छूटेगा। एक पांच परावर्तन पढ़ा के भी मोह नहीं छूटा आत्मा जाने में, गलता नहीं है ना, तो वो भी हमारे भगवान पढ़ा। एक एक समय की विराधना में ऐसी बंद हो रहा है ये भी बता, परंतु जानने से कसाय मंद भी हो जाए पर कसाय रह स्वभाव का भेदन नहीं हो सकता। अब तो मोह को छोड़ो, कब बूढ़े हो गए, बाल काली थी वो डाई लगा लगा के सफेद कर रहे हैं, अब तो समझ जाओ कि ये सफेद हो रहे हैं जाले की बेला, ऐसा कह रहे। ये शरीर मुर्दा है, सफेद होने दो, इन्हें देख तो लो एक बार कैसे हो रहे हैं, ये कर तो छोड़ो देह का, ये तुम्हारा नहीं। ऐसी मूछे उछे सब काली आली करके बैठते, ऐसे एक आदमी आए घर तो उसकी जड़ में सफेदी थी वो दिख रही थी और काली बार पर ऐसे अच्छी से बैठ, ये अपने ही से ठग रहा, अपने ही को ठग रहा, ये किसे बताना चाहता है, ये सोचना भी नहीं चाहता है। इनको तो देव कैसी करना, अब तो छोड़ो, इतनी उम्र हो गई, जाने का काल है, और अभी भी इस जीव को ऐसी ऐसा भाव क्यों नहीं आता कि हम अपने को। इस जीव को अभी भी सुनने में मोह लग रहा है, अभी भी बैठा हूं ऐसा लग रहा, अभी भी मंदिर में मुमुक्षु लग रहा, अभी भी कान है तो सुन रहा हूं, अभी भी सुनने में बहुत मजा आ रहा, ये सब मोह। आत्मा को आनंदमय वेदना निर्मोह बनाए और सब मोह। कुछ भी जो तुम अपना अस्तित्व कहीं भी स्वभाव को छोड़कर देखती हो, ये पूरा भगवान के ज्ञान में मोह। न तत्व गतत्वे भी, न तत्व में पसरा होने पर भी, जो न तत्व रूप नहीं होता उसका वेदन करना मोक्ष मार्ग अनुभूति धर्म। इतने दिन से आ रहे, थोड़ी शांत परिणाम रहते मंदिर में अच्छा लगता, और पहले कुछ नहीं जानते थे अब जानने लगे हैं, और आज तो हमसे कुछ पूछे तो बताने लगे, ये सब कहाँ से बोल रहा है, रियाय में खड़ा कहाँ है मुंह से रहता। ये भगवान देख के भगवान बता, अभी तुझे इतनी बड़ी गाथा थी जा रिसिया सिद्धप्पा, तू सिद्ध सिद्ध भगवान जैसा है, वो कह रही तो निश्चय से तो शुद्ध नैसे, वो तो अभी अभी दिखा कहा, ये अभी दिखा और नहीं दिखेगी बात चल ही नहीं रही है, ये वास्तव में ऐसा जीव है, नहीं वेतन कर पाए परंतु वस्तु स्वरूप कैसा है, ये भगवान सिद्ध है। कब है और इसे नहीं वेदना, इसको कहते हैं मोह। अपन मोह कितने प्रकार से, गुरु को देव को
श्रद्धा श्रद्धि बनाना मोह है। पर सच्ची देव सास गुरु की श्रद्धा करने पर भी कामना होना मोह है, उनका स्वरूप जैसा है। गर्भ विषाद तत्व का ही उपाधि प्रॉपर ज्ञान नहीं होना ये मोह है। पर उसने ऐसे जीव तत्व को नहीं जानना, ऊर्ध नहीं करता ये मोह है। ये तो सीधा ये कहते हैं कि तू एक गायक को भगवान नहीं देखता, ये मोह। अब सब गड़बड़ी चलेंगे पूरे देश। कितना भी नहा धो के आए, यानी सरदार के मुझे गंदे बांस देने लगे और डांट पड़ गई और उसने निकाल करके भी कोट के पाकेट में रख लिए, तो बताओ गंद बंद होगी कि नहीं? सरदार जी वो मुझे नहीं उतार, कैसी बात करते साहब, देखो उतार दिया जाता है। वो किस रूप में पर्याय से एकत्व कर लेता है, और घर से निकल के भाग के आया मंदिर ही अपना। ये जगत के प्यारे प्यारे जीवो, भव्य जीवो, भगवान जैसे जीवो, अब तो अपने को आत्मा मानो, अब तो अपने को चैतन्य देखो, अब तो मोह को छोड़। तीन बातें बता रहे अगले, है ना? ये देह अपनी है क्या? नहीं। ये देह अपनी होगी क्या? नहीं। ये देह किसी के साथ गई क्या? नहीं गई। ये देह अपनी आज्ञा मानती है क्या? नहीं है। ये देह के अचेतन धर्म चेतन जैसे हैं क्या? अब तो मोह छोड़ जगत की बात सोचना। जगत में अपनी चलती है क्या? नहीं चलती। जगत किसी की सुनता है क्या? नहीं सुनता। जगत को जिसने अनादि से अपना माना, कोई अमर हो पाया क्या? और जगत से भिन्न आत्मा देखने वाले भगवान बन गए? नहीं। तो अब तो जगत के प्रति आस्था छोड़ो, क्या कहेंगे आचार्य? तीसरा जो बता दिए, देह में और जगत की विषय। अब विषयों में लगाओ कि इसे जगत के पांच इंद्री के विषयों में कभी सुख मिला क्या? किसी को कभी भविष्य में सुख मिलेगा क्या? एक परमाणु भी तुम्हारी आज्ञा में है क्या? इसमें सुख नाम का, ज्ञान नाम का गुण है क्या? गियों को विषयों को जानने पर जाननहारे को ज्ञान मिलेगा कि सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब तो मोह छोड़ो। लड़का मानते ही नहीं तो मोह छोड़ दो। जब वो मेरा लड़का, अरे ऐसे कैसे मान, एक ही तो लड़का है निशांत जैन, अब उसी को छोड़ दो। फिर और किसके साथ रहे? स्वभाव के साथ रहो जिसके साथ कभी नहीं रहो। ये ऐसी करुणा से कहा होगा कि तुझे गुटका आप छोड़ दे, मर जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इनको हुए देख चित्र, ये परिस्थिति सेवन में नरक चला गया रहा, आप तो छोड़। ये धन कमाते कमाते सिकंदर की मौत हो गई, अब तो छोड़ दे धन कमाने की बात। अरे अभी सीजन है, अभी कमा लेने दो, बाद में तो अभी आ गई, आज आखिरी दिन हुआ, तो ऐसा क्यों सोचे? ये सोचे श्रीमद राज्य कौन सुखी हुआ है इन विषयों में, सोचना पड़ेगा, मुंह छोड़ना पड़ेगा। कलश तो छोटा सा है, स्वामी जी कहते थे भाव गंभीर होते ज्ञानी की वचनों। एक दिन निकला था यहाँ पर, स्वामी जी ने पढ़ा था कि दिगंबरों के वचनों में वजन बहुत, इन वचनों से ही मिथ्या टूट सकता है, क्योंकि इसे सेठ सेठ सब कहते हैं। और आज स्वामी जी ने ऐसा फटकारा है कि एक सेठ जिसके पास कितने करोड़ थे, 2 करोड़ थे, 4 करोड़ थे, 1 करोड़ एक लड़के को दे दिया, 1-2 करोड़ और दूसरे को दे दिए। अब बोले तेरे कितने हैं? लड़का तो है, तो वो लड़का तो अब वो सोचते कि वो ले गया होगा पापा को, वो सोचते वो ले गया होगा पापा, सामायिक कर रहा है, कोई नहीं पूछते। काय को पूछे, उन्हें अपने आत्मा को नहीं पूछते, तुम्हें पूछ ले। और तुम्हारा पुण्य तो हो, तुम्हारे सामने कोई कह सके, इतना पुण्य जला के आए हो पंचम का, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। पूछ लगाई तो हनुमान जी बन जाओगे तुम, और जाते
पशु की पर्याय में पहुंच के देर नहीं लगे। अब तो मोह छोड़ो जिससे इतने कष्ट हो। मोह का कहना ये है, अस्थि परक है कि अपने आनंद को नहीं भोग नहीं मोह है। तुम कहो कि हमें तो मोह नहीं है, हमें तो मोह नहीं है, हम तो रोज मंदिर आते, खूब लगन लगी है, धर्मात्मा है, रात दिन पढ़ते हैं कि मोह तो छोड़ो कि हम पढ़ते। इस समझ में तो आए कहां खड़े करा रहे, ये तुम कहां खड़े हो। ऐसे मोह को अब तो छोड़ो। कौन ने छोड़ा? दूसरी तीसरी लाइन, दूसरी लाइन, रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञानम उद्धत। अरे आत्मा के रसिक जनों को जो रुचिकर है, जो उसे छोड़ने नहीं चाहते, इनके चेहरे देखो, इनका रामायण में मन कैसे लग गया, ये सोनगढ़ के एकांत चपरा में कैसे रह जाए, ये जंगल में खाई में 14 साल कैसे बैठे। इनको आत्मा का इतना रस आता था कि न शहर दिखता था, न सीढ़ी दिखती है, तो न पुस्तक दिखती थी, आत्मा दिखती। इनको देखो, मुनिराजों को देखो, तो तुम्हारा मोह छूटने क्या प्रसंग बन सकता है। इनको परावलंबन अच्छा क्यों नहीं लगता, इन्हें क्या मिल गया है जिससे इनकी आंख नहीं उठती। बात रसयतु रसिकानाम रोचनम, ऐसे रस के रसिक रुचिकर रुचि करने वाले भगवंतों के ज्ञानियों के धर्मात्माओं के 14 गुणस्थान वर्ती का चेहरा देखो, तुम्हें मोह ढीला पड़ने लगेगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, ये काम तो करने लाए थे। जतु जगे दानी मोह माजन मनीना रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुदित। देवेंद्र आए थे ना, वो एक बार स्वामी जी की जयंती में बोले कि हमने नहीं देखे कुंद कुंदी और अमरचंद, ये तो बहुत बड़े पुरुष कहलाते 7वें गुरुस्थान पर, हमें इनके देखने का भाग नहीं था, नहीं मिले, परंतु हमने एक 14वें गुणस्थान भर्ती ज्ञाता को देखा है कि ये कितना प्रसन्न रह करके आनंद से जीवन जीता है। जब 14वें गुणस्थान भर्ती का इतना आनंद, तो 7वें वालों के आनंद की हमारी जवान नहीं। ये कह रहे रसयतु, रस लिया है इनने, रसिका नाम ये है रसिक, रुचि करने वाले इनके चेहरे देखो आप। सीता है रसिक चंदन वाला, जिन्हें आग नहीं दिखती, जिन्हें पिंजरे में शेर नहीं दिखता, डर नहीं दिखता, हाथी के पैर के नीचे क्या दिखता है फिर? ये पर द्रव्य मुझे स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, ऐसा आत्मा के जानने पर इतना भजन भजना है। रसयतु रसिका नाम रोचनम ज्ञानम उद्धत। रसिक जनों को रुचिकर उदित हुआ है ज्ञान, ऐसे ज्ञान का रसयतु आस्वादन करो, देख तो लो एक बार, कौतूहल तो जगाओ एक बार, ऐसा मजाक मजाक में देखो, ज्ञाता रहो। आज दिन भर देखेंगे, ज्ञाता रहने में कौन दो, दिन दिन तो छोड़ो, थोड़ी देर तो आदर करो इन भगवान। एकत्मपिनात्मा नात्मना सा कभी कहा, किल कलयति काली क्वापि तादात्म वृत्ति। एकत्मपि यह किसी भी प्रकार से भी, नात्मा अनात्मा, ये आत्मा और अनात्मा कभी एक भी हो सकते है कि नहीं? कभी स्वप्न में भी दो द्रव्य दो तत्व एक में एक नहीं हो सकते। इसमें क्या बताना है कि कितना भी बड़ा कैंसर, टीवी, नरक, निगोद, किसी भी परिस्थिति उदयाधीन बन गई हो, तो भी उस उदय के विचित्र प्रसंगों के काल में चैतन्य आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसा देखो। नरक में जीव का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा अनुभव करो। ज्ञानी जन तो ऐसा अनुभव करते, श्रेणी महाराज बताओ कैसा अनुभव करते,
अंतर सुख रस लगे। नरक में भी सुख रस की रस पी ली थी, जिसमें सुख रस भरा है उसी की तो रुचि हुई हुई, तो जिसमें ऊर्ध हुआ है ये तो अच्छा लगता है। अब नरक संयोग है ये दुख देता नहीं, मुंह से दुख होता है तो मुंह रहा नहीं, अब दुख कैसे होगा। छह खंड की विभूति के बीच में मान नहीं आता, किस बल से नहीं आता, ऐसा सम्मानी चैतन्य भगवान विराजमान है, किसी मान आ जाए जड़ के ऊपर, जड़ पर झुक झुक जाता मूर्ख चेतन नहीं। जड़ पर कौन झुकेगा जिसे समझ में नहीं आता। हम चेतन है ये अनेक मेहतरानी से अपने लड़के को प्रेम है, बताओ उसे समझ में नहीं आता था कि ये मेहतरानी, वो तो समझ रहा था राजरानी हो, कोई गोरी गोरी लड़की भी तो कर सकती झाड़ू लगाने का काम नल ढोने का। अब वो तो कहे पापा इसके साथ शादी करा, कि बेटा हम तैयार हैं कराने के लिए, उससे पूछ लो। उसने कहा भाई पापा से पूछ, पापा से पूछा तो उन्होंने कहा तुम अपनी जाति जैन की छोड़ दो और मेहतर की जाति लिखवा लो, गोत्र बदल लो, तो हम तुम्हारी शादी कराए। ऐसे ये पुद्गल कहता है कि तुम मानो दुकान को मकान को अपना, पर तुम अपना चेतनपना छोड़ दो, पुद्गल हो जाओ, तो हम तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं खोल करो कुछ इस मेहतरानी के साथ। हमारी भतीजी गई ब्राह्मण में, अब जैन मंदिर छूटी भागो कहाँ जाओ, सुखी नहीं हो सकते, सारी शांति भंग हो गई। फिर आंखें लड़ गई, बस में आती थी, पापा ने मम्मी ने छूट दे दी, जा बेटा नरक जाओ, वहां तो तुम्हें सुनने नहीं मिलेगा, देवसास गुरु के दर्शन नहीं मिलेगा। जो जीव अपने जैनत्व को भुला रहे हैं, अपने भगवान से दूर हो रहे हैं, इनको बहुत कष्ट होने का, बहुत कष्ट कह रहे निगोद सामने खड़ा, यदि जिनेन्द्र देव दूर हुए, इनके पास अवसर है आत्मा सुनने का समझने का। अभी दो गाथा निकल गई युक्सार, यही कह रहे कि व्रत तब से नहीं होगा धर्म, और अभी कह रहे हैं कि मंदिर में नहीं आओगे तो दुष्गति हो जाएगी। इसका ये अर्थ ये है कि इस जीव को ये बात यही सुनने मिलेगी कि इसमें धर्म है, इसमें धर्म है, ये कोई कहेगा जगत से, कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने। ये कतमपि नात्मा अनात्मा, ये आत्मा और अनात्मा कभी एक एक होंगे कि नहीं। किल कल यदि काले क्वापी तादात्म प्रति, कितना भी अनंत काल निकल जाए कभी भी कल्पना नहीं करना कि पुद्गल और जीव एक में हो जाए। तुम गोरे नारे नहीं हो, तुम चैतन्य राज हो, तुम्हारी दुकान मकान नहीं है, तुम्हारा जानने देखने का व्यवसाय, तुम खाते पीते नहीं हो, तुम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हो, तुमने दुख नहीं भोगे मैं दुखी हो गया ये भ्रम पूछा, तुम सुखी नहीं हुए हो स्वर्गों में मैं सुखी रहा ये भ्रम, ये कहाँ खड़ा किया इतने बड़े मैटर को एक सामान्य से शब्द दिया कि तुम मोह छोड़ो कि मैं देव हुआ था, मोह छोड़ो कि मैं नरक गया था, मोह छोड़ो कि सुख दुख भोगे, ये करो कि मैंने आज तक अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है, जहां रहा हूं ज्ञाता दृष्टा ही रहा, तो मोह छूट जाए। कलश कितना छोटा सा है, चारों लाइनों में चार वज्र की बात है। सबको याद रहना चाहिए, हर विद्वान हर जगह जाकर ये बोल चुका है, ये कलश इतना प्रसिद्ध है, 22 नंबर का कलश सब जगह की सब विद्वान बोल चुके। जत जगे दानी मोहे माजन मलीना, रसे यतु रसिकाना, रोचनम ज्ञान उद्यत, ये कतिमपि नात्मा नात्मना साकमेका, किल कले यति काले क्वापि तादात्म्यवृत्ति। कितना भी काल निकल जाए, सोने और कीचड़ करोड़ों वर्ष तक एक साथ पड़ा रहे,
तो अभी सोना कीचड़ बनेगा कि नहीं? कीचड़ सोना नहीं होगा, सोना कीचड़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी द्रव अपना स्वभाव छोड़ता। करोड़पति कोई सेठ है कि नहीं जबलपुर में? एक भी सेठ नहीं है ऐसा जबलपुर है। कोई तो है जिसका मकान होगा, किसी की तो होगी पत्नी, किसी के तो होंगे पुत्र। के ये मोह छोड़ो। थोड़ा सा भगवान महावीर स्वामी, कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद देव, तूरमल जी, कुछ गुरुदेव श्री, इनसे तो जुड़ो एक बार। ये कह रहे हैं कि तुम वो हो जिसमें कुछ होता नहीं, कुछ कमी नहीं हुई है, तुम कभी आश्रवबंद तत्व रूप भी नहीं। ठीक है, इतने गंदे परिणाम हुए कि कहने में शर्म लगे, कसाइयों जैसे हुए। तो अभी चैतन्य पना कभी छूट करके आश्रव तत्व से एक भी एक हुआ ही नहीं है। हुआ लगा है ये वो है, उसे छोड़ दे। धर्म से इतना कष्ट काल बिताए। रात में सूती समय हमें टीवी हो गई, बताओ सवेरे उठ के किस डॉक्टर से देखा? सोने के समय, सूती समय यदि जीव को कैंसर हो जाए तो कौन से डॉक्टर से दिखाए? बॉम्बे जाए कि नागपुर जाए? आंख खोले ऐसा कह रहे कि हम मनुष्य पर्याय पंचम काल हुंडाल सरपड़ी हीन सेनन भाग्य नहीं। ये कह रहे कि ये सब संयोग की बात, जहाँ विचित्र हो उस समय जीव को आत्मा देखने का अवसर है कि नहीं है? कैसे है? ये उन कर्म के उदय में नहीं जुड़ा है, नहीं हो गया, वो शरीर रूप नहीं हुआ। बूढ़ा आदमी आत्मा देख सकता है कि नहीं? देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि वो बूढ़ा नहीं है, सही बूढ़ा। आत्मा का अनुभव आत्मा ना कर सके तो फिर कौन करे? माता जी ने लिखा स्वानुभव दर्शन और वचनामृत, भैया अपना आत्मा है और अपन को चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं तो कैसे नहीं दिखे? जागता जीव कहाँ जाए छे? अपना आत्मा यहाँ नहीं है तो कहाँ? तो ये शंका दूर कर देना कि हम इतने काल से देह के कर्म के लड़का बच्चों के साथ रह रहे हैं, तो भैया भी अपने हो ही गए। तो वो कह रहे हैं कि कभी स्वप्न में भी दो तत्व एक में हो सकते नहीं, तो बहुत बड़ी विपत्ति चल जाएगी। न ये सोच तुम्हें आत्मा को देखने से रोकती है, तो फिर लड़का बच्चों का क्या? संजय जी वर आए थे, बस भाव आठ दो मिनट पर संजय जी वर आए तो उन्होंने कहा कि भरत चक्रवर्ती के, सगर चक्रवर्ती की 60,000 बेटे, सगर चक्रवर्ती उन बेटों को खिलाने बैठे तो कितने दिन में खिला पाए? तो उनके लड़कों को देव खिला। तो भरत चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती आत्मा का ध्यान करें। तो ये आदमी बोला कि हमारे लड़के बच्चों की भी व्यवस्था देव कर दे, तो फिर स्वाध्याय भवन में हम बैठे रहे। तुम्हारे बच्चों की व्यवस्था नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? सतीश भाई, तुम्हारे बच्चों की व्यवस्था देव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम व्यवस्थापक और बाप बने हो ना, तब तक ये तुम्हारी, तुम आत्मा बनो, आराधना करो तो पूरी प्रकृति तुम्हारा अभिनंदन करेगी, सेवा में खड़ी। भावार्थ दो मिनट का, आत्मा पर द्रव्य के साथ किसी प्रकार किसी समय एकता के भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा आचार्य देव ने अनादि काल से पर द्रव्य के प्रति लगे हुए भ्रम को, विपरीत अभिनिवेश को, अनंत व्यवसाय भाव को जो मोह है उसका भेद ज्ञान कराया है। प्रेरणा कर सकती हो क्या? एकत्व रूप मोह को अब तो छोड़ो, अभी मान जाओ कि मैं चैतन्य हूँ, वहां से मुझे ज्ञान आ रहा है। अभी मान जाओ कि जानना देखना ही मेरा स्वभाव, अभी मोह भाग जाए। वेद विज्ञान बताया प्रेरणा की, एकत्र रूप बोल को अब तो छोड़ दो, तो करें क्या? हम ऐसे छोड़ के बैठ जाएं तो फिर करेंगे क्या? लगा है कि ज्ञान का आनंद भोगो, ज्ञाता रह के तो देखो एक बार कितना आनंद आता है। ज्ञान का आस्वादन करो, फिर इसका क्या होगा?
वीरेन जी की भाषा में कहें, यदि हमने भोजन कर लिया तो भूख का क्या हो, यदि हमने दुकान चलाई एजेंसियां मिली तो दूसरे लोगों का क्या होगा। आज तक कोई बनी ऐसा नहीं सोच कि हमने इतनी एजेंसी ले ली तो बाजू वालों का क्या होगा। ऐसे ये कह रहे कि मूर्ख का क्या होगा, रामचंद्र जी ने केवट को उतराई दी और उसने उतराई नहीं दी और पार उतर गए कि अपन दो ही साधु भाई हैं, हम बहुत समुद्र से उतारते हैं और तुम नदी से उतारते हो, तो अपन दोनों तो एक ही जाति की उतराई करने वाले, हम तुमसे विदाई उतराई नहीं ले। तो फिर वो प्रशस्त का प्रश्न है कि उस केवट का क्या होगा। ऐसे ही कह रहे कि भाई हमने भ्रम छोड़ दिया और आत्मा मानने लगे तो अब इस मोह का क्या, नहीं समझ नहीं आया। प्रशांत को समझ नहीं आया, चेहरा भी प्रसन्न है। ये बताओ, ये ज्योति जल रही थी और एक लड़की से पूछा किसी ने कि बताओ ये ज्योति कहाँ से, उसने ज्योति बुझा दी दीपक और कहा बताओ ये ज्योति कहाँ, नहीं समझ नहीं आया। ये निर्णय नहीं है जीव को, ये मोह तो आत्मा के विस्मरण का नाम है, विस्मरण नहीं रहा तो मोह खड़ा कर सहजानंदी।